जब मोदी इस प्रकार की अपनी गारंटी पूरी करता है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटी पर भरोसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। 3 दिसंबर के बाद से ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस जारी है। भारी बहुमत के साथ ही आई बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। अब इन सब के बीच मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब अब सोमवार यानी 11 दिसंबर को मिलेगा। इस दिन शाम 7 बजे भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। बैठक के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से राय शुमारी करने के लिए शुक्रवार को 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि खट्टर और डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। 3 पर्यवेक्षक शनिवार को भोपाल आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नए ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व ने नए चुने गए ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांगी है। ऑब्जर्वर इसमें विधायक दल के नेता यानी सीएम की घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आला कमान मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर ओबीसी चेहरे की ओर बढ़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने पर भी विचार हो रहा है। ऐसे में अगर ओबीसी कार्ड नहीं चला तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। वहीं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में भी कई समीकरण देखने को मिले हैं। जैसे बीजेपी ने पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सामान्य वर्ग के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी नेता डॉक्टर के लक्ष्मण और आदिवासी नेता आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। 3 नेता विधायक दल की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। दूसरी तरफ नरसिंहपुर से विधायक चुने गए प्रहलाद पटेल ने भोपाल में कहा कि वो यहां विधायक के तौर पर जरूरी कार्रवाई के लिए आए हैं। सीएम फेस पर उन्होंने कहा कि इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक है। लोकसभा से विधानसभा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई सदन छोटा नहीं होता, सदन तो सदन होता है, संख्या और नियमों में अंतर है। अगर ईश्वर ने चौकीदारी का काम दिया है तो चौकीदारी ही करनी चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में सीएम पद के कई दावेदारों को देखते हुए डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम पद के दावेदार अधिक हैं और किसी एक को सीएम बनाने पर शेष अन्य दावेदारों को बीजेपी को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से ही इस बार बीजेपी सीएम के साथ ही 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है। लेकिन ये विचार जमीन पर उतरेगा या नहीं, इसे बीजेपी का आला कमान तय करेगा। अब मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन 11 तारीख का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की कमान किसे मिलने जा रही है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।